हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमॉन लीफ ग्रीन। आखिरी वीडियो में मैंने तुम लोगों को एक काम दिया था, पता नहीं तुम लोगों ने किया है या नहीं। मैंने अपने पेड़ों को लेवल 17 का कर लिया है। आईवीसोर लेवल 26, पिकाचू लेवल 24, निडोकिन 25, नया डिग्लेट पकड़ा है लेवल 19 का, गगगा का आ आ आ आ लेवल 16। तो दैट्स एवरी टीम नहीं, द टीम वी हैव। ओके, तो आज मैंने तुम लोगों को जो काम दिया था, मैं जानता हूं तुम लोग कंप्लीट कर ही चुके होगे। मैंने तुम लोगों को बस उन गंदे ट्रेनर्स को हराने के लिए ही तो बोला था। बस मैं ऐसा नहीं कर ऐसे कोई टीचर और तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ करने के लिए, चलो कुछ भी हो। तो यहाँ पे मैंने लेजर रेट फाइंड आउट कर लिया है और हम लोग को लड़ना है लेफ्टिनेंट सर से, लेफ्टिनेंट सर्ज, जिसको हम लोग हराएंगे पिकाचू से। उसके बाद हम लोग नीडो को इनको भेजेंगे, उसके बाद आईवीसॉर, उसके बाद देखा जाएगा। Hey, what do you think you are doing here? You won't live long in combat, not with your puny power. I tell you, kid, electric Pokemon saved me during the war. They zapped my enemies into paralysis, the same as I will do to you. Paralyze मुझे करेगा? Heal तो लाया नहीं मैं। जैसे कि Voltorb versus Pikachu. We will start with Mega Kick, जो पक्का मिस ही होगी। What? What? 90% चांस में मेगा किक मिस करता था यार। क्विक अटैक, बच गया। इस गेम ने क्या होता रहता है यार, एक सुपर पोशन यही देखना बच गया था। वो जिम लीडर्स भी चीटिंग करते हैं मेरे हिसाब से। तो यार जिम लीडर्स के खिलाफ हम लोग कोई तो फायदा होना चाहिए। चलो ओके, लेट्स गो। वो पिकाचू यूज करने वाले हैं हम लोग। पिकाचू वर्सेस पिकाचू करेंगे। मैं जानता हूँ उसका आखिरी पोकेमॉन शायद राइचू होता है। ओके, मेगा किक में गया। लेवल 25 का पिकाचू, यस वी हैव टैलेंट। अब वो राइचू भेजेगा, राइचू को भी पिकाचू से हराएंगे। एस वर्सेस लेचन इन सर्च। एस ने पिकाचू से ही राइचू को हरा दिया था ना। राइट यार, मुझे भी शॉक वेव सीखना है। कितना सही अटैक था, एक ही अटैक में हरा दिया। पर वैसे नीडो क्वीन है अभी हमारे पास। बॉडी स्लैम यूज करेंगे बाहर से, आज भी बहुत आवाज आ रही है। ओके, हम लोग बॉडी स्लैम यूज के लिए मिस हो गया। मेगा पंच करते हम लोग। That's it. हम लोग जीत गए। लेवल 26 की हो गई हम लोग की नीडो क्वीन। जो है मिल गया 2400 रुपए भी दिया। इतने कम पैसे का हम लोग क्या करेंगे, तुम ही बताओ। तो ज्यादा ही छोटी बैटल थी, हम लोग काफी जल्दी जीत गए। पिछले में तो हम लोग मेरे हिसाब से टेक्निकली बस गेम में हम लोग किए क्या था आखिरी वीडियो में, बस मेन स्टूपिड की बैटल थी। ओके, हम लोगों को थंडर टाइप मूव ये दिया कोई, तो मुझे पढ़ा नहीं, सॉरी। लेट्स चेक इट वंस। ओके, शॉक वेव, लेट्स यूज इट ऑन पिकाचू। हम लोग थंडर वेव हटा देंगे, उससे भी बस पैरालाइज ही होता है वैसे भी। ओके, लेट्स रिमूव थंडर वेव। 1, 2 एंड पुफ। ओके, हम लोग इसलिए मैंने जॉल्टियन को कैंसिल किया था, क्योंकि पिकाचू शॉकवेव सीख सकते हैं, जॉल्टियन भी सीख सकते हैं, लेकिन पिकाचू को थंडर शॉक भी आएगा और शॉकवेव भी आएगा स्टार्टिंग से ही, तो इसलिए जॉल्टियन से मुझे लगा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है अगर स्टार्टिंग में मिल गया तो। लेकिन नॉर्मली पिकाचू बहुत कम लोगों को मिलता है विरीडियन फॉरेस्ट साइड्स में, इसलिए मैं तो बोलूँगा कि तुम लोग ना ही करो। तो मैंने अपनी टीम को, मतलब ये जो बगन हम लोग मैक्सिमम सराउंडिंग देखते हैं, जो स्नोरलैक्स एरिया वर्मिलियन सिटी से रहता है, उस एरिया को भी मैंने पूरा खाली कर दिया। तो मैं अपना पोकेमॉन्स को हील कर देता हूँ पूरा, और इसके बाद हम लोग अपना जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बस सर्च को हरा के हम लोग शांति से बैठ जाने वालों में से तो है नहीं। हम लोग आज ही पहुंच जाएंगे मून केव तक। ओके, तो देखो यहाँ से हम लोग जाते हैं, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं।
और मैं तुम लोग को एक सरप्राइज दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने वीडियो से पहले जब मैं डकियो केव में ट्रैवल कर रहा था तो मैंने जो ले लिया अपने साथ। सी ए द साइकिल, बाई साइकिल, बाइसिकल मिल चुकी है हम लोगों को, अगर इसका ज्यादा यूज करेंगे नहीं हम लोग तो कौन कारोबार अपने बैग से बाइसिकल निकालेगा। ये तो लॉजिक भी बन गया, एक छोटे से बैग के अंदर बाइसिकल। पोकेमॉन लॉजिक in 2000। ओके वेयर वी हैव टू जस्ट गो, द प्लेस इज हेयर। ओके हम लोगों ने कट यूज किया है, इसको मैं हरा चुका हूँ, इसको भी मैं हरा चुका हूँ, पता नहीं इसको भी मैं शायद हरा दिया था, उसको मैं हरा चुका हूँ। ओके गलत रूट, यू हैव टू गो अदर साइड। ओके लेट्स चेक इट, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा नहीं, इसको मैं हरा दिया, जाना कहाँ है। ओके ये रहा रूट, एक और हियर वी हैव टू गो। ओके वन मोर अनदर बैटल, लेट्स डिफीट हिम। ओके बग कैचर सेंट आउट कैटरपी, कैटरपी वर्सेस पिकाचू, लेट्स ट्राई अवर न्यू अटैक। व्हाट अ हू, क्या मजा आ गया देख के मुझे। ओके क्विक अटैक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोकेमॉन, दिखते हैं इसका कौन सा है। एक वीडल है उसका अगला पोकेमॉन, तो उसको भी हम लोग हरा ही देंगे। वीडल को भी हम लोग शॉकवेव से स्टार्ट करेंगे, यार मुझे बहुत मन कर रहे हैं मूव करने का। ओके एक में वन हिट। ओके नेक्स्ट वन इज वेनोनैट, अरे हरा देंगे हम लोग, वी कैन डू, वी कांट डू एनीथिंग रॉन्ग। आई मीन कहां से आती है इतनी बाहर की आवाजें। ओके पिकाचू इज हर्ट बाय पॉइजन, हम लोग पॉइजन हो चुके हैं, शॉकवेव से भी ज्यादा असर नहीं हुआ, तो इसको थंडर वेव से भी थोड़ा सा काम असर हुआ बस सॉफ्टवेयर से। अब क्या हम लोग पॉइजन है, हम लोग कंफ्यूज हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ही इफेक्ट में हैं अटैक्स के, लेकिन कोई बात नहीं चलेगा अभी। ओके ओके नो टेंशन, वी कैन गो मोर हियर। रुको तो रिकॉर्डिंग पॉज करनी पड़ेगी। तो गाइस थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, किसी ने मुझे कुछ कहा था तो मुझे थोड़ा सा जाना पड़ा, जानते ही हो घर में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके तो अब हम लोग को करना क्या है, बस एंटीडोट यूज करते हैं फटाफट पिकाचू के ऊपर। देखो अभी हम लोग को उतना हार्ड तो है नहीं, वीडियो में आगे जाना, कहाँ जाना है, अनदर बैटल, कुछ ज्यादा ही बैटल्स है यहाँ पे। सेंट आउट मी आउट, अगला हम लोग का वीडियो काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है, क्योंकि मुझे केव टनल बहुत ज्यादा ही हार्ड लगती है, मैं कभी क्रॉस नहीं कर पाता जल्दी, तो मैं तो अपने साथ गूगल से मैप लेके जाने वाला हूँ, मैप लेके जीतर हूँ मैं, लेकिन तो भी मेरे हिसाब से एक मैप लेने में ज्यादा चीटिंग नहीं होगी, हम लोगों ने अब तक कुछ भी चीटिंग से पार नहीं किया है, बस एक चीटिंग से पार करना गलत नहीं होता। अब क्या बताएं, हम लोग से नहीं होती है यार केव क्रॉस, हम लोग के पास जो सस्ता मैप मिलता है उसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है। चलो कहाँ है, आई थिंक वी रीच्ड। ओके आई थिंक वी रीच्ड द प्लेस। ओके वी हैव रीच्ड, तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं वो जगह जहाँ हम लोगों को आना था। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। नॉट बाय, मजाक कर रहे हैं यार हम, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, अच्छी फ्री फायर की वीडियोस को लिए सब्सक्राइब करो ह्यूमैनिटी आज को, किसी आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड वीडियोस को चाहिए तो सब्सक्राइब करो अक्सा रिफ्लेक्शन को, दोनों का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।